जी दोस्तों, वेलकम टू बायोग्राफी शॉप। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान की बायोग्राफी। दोस्तों, अगर आप किसी भी सेलिब्रिटी की जो है बायोग्राफी देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मोहम्मद रिजवान 1 जून 1992 को पेशावर खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हुए थे। 2020 में जो इनकी एज बनती है वो 28 ईयर्स बनती है। अगर इनकी बात करें तो टीम में इनका रोल जो है वो विकेट कीपर बैट्समैन का होता है। ये राइट हैंडेड बैट्समैन है और पाकिस्तान की तरफ से इन्होंने अपना डेब्यू 2015 में किया था। इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू 25 नवंबर 2016 को न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ किया था, जबकि इन्होंने अपना जो आखिरी टेस्ट है वो भी रिसेंटली खेल रहे हैं इंग्लैंड के ख़िलाफ़। और अब अगर बात करें इनका जो ओडीआई डेब्यू था वो 17 अप्रैल 2015 को बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हुआ था, जबकि 31 मार्च 2019 को ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ इन्होंने अपना जो है वो लास्ट ओडीआई खेला था। टी20 डेब्यू की बात करें तो 24 अप्रैल 2015 को बांग्लादेश के ख़िलाफ़ इन्होंने अपना टी20 का डेब्यू किया था। सिमिलरली इन्होंने 25 जनवरी 2020 को बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो अपना आखिरी जो वो टी20 का डेब्यू किया था। 2008 से लेकर 2015 तक की पेशावर पैंथर्स की तरफ से खेलते हैं। अगर बात करें डोमेस्टिक टीम इन्फॉर्मेशन की तो 2011 में इन्होंने सुई नाथरन गैस की तरफ से ये खेले हैं। 2016 से 2017 तक ये लाहौर कलंदर की तरफ से खेले हैं। इसके अलावा अगर बात करें 2017 में ये सिलेट सिक्सर्स की तरफ से भी खेले हैं और 2018 में ये कराची किंग्स की तरफ से खेले हैं। अब अगर बात करें इनकी जो है कैरियर की स्टैट्स की तो इन्होंने अब तक 6 टेस्ट खेले हैं, 32 ओडीआई खेले हैं। और अगर बात करें 6 टेस्ट मैचों में इन्होंने अब तक जो है 225 रन स्कोर किए हैं। इनकी बैटिंग एवरेज जो है वो 32 रन है। इनका जो टॉप स्कोर था वो 95 था। और अगर बात करें ओडीआई की तो इन्होंने अब तक जो है वो 32 ओडीआई खेले हैं, जिसमें इन्होंने 705 रन किए हैं। इनका बैटिंग एवरेज जो है वो 33 रन है और इन्होंने जो है 200 किए हैं और 3 जो है 50 किए हैं। इसके अलावा जो इनका टॉप स्कोर रन है वो 115 रन हैं। तो दोस्तों, ये थी इनकी बायोग्राफी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप किसी भी सेलिब्रिटी की बायोग्राफी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।